हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। तो सबसे मैंने कढ़ाई गरम की और उसमें डाला 2 चम्मच घी। देखिए, घी गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, अब मैंने गाजर डाल दिया। मैं यहाँ 1 किलो गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गाजर लेते हैं तो घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। ये देखिए, गाजर को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, इसे हल्के हाथों से मीडियम फ्लो पे, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर ये बहुत अच्छा बनने वाला, बनने के बाद सबको बहुत पसंद आएगा। और इसे हल्के हाथों से भूंजे, देखिए काफ़ी हद तक ये पक चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट मिलाएंगे, आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। हम इसे चलाते रहेंगे क्यों, ताकि ये तली में सट न जाए, जले नहीं हलवा। और गाजर का हलवा एक ऐसी डिश है जो सर्दियों के मौसम में हर घर में बनता ही है। ये बहुत कॉमन सी डिश है सर्दियों के लिए। तो और मैं अपनी बेटी के फरमाइश पे आज ये बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है। हम इसे भूनते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। देखिए, लगभग ये पक चुका है हलवा। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। ये देखिए, चीनी डालने के बाद हम एक बार फिर अच्छे से हलवे को चलाएंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा पानी सा हो जाता है। तो उस हम इसे भूनते रहेंगे, सटना नहीं चाहिए, इसे अच्छे से पका ले। ये साइड में लग सट रहा है, तो मैं इसे भी हटाते जा रही हूँ, इसे चलाते रहें। देखिए, अब हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में स्टोर करने के लिए। गैस को मैंने बंद कर दिया। अब हलवा तैयार है खाने के लिए। आप सब मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।